रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपना फ़ज़ल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको हैदराबादी कीमा बता रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब बीफ का कीमा लिया है। दो अदद दिन मैंने साइज़ के टमाटर लिए, उन्हें मैंने स्किन रिमूव करके चॉप कर लिए। स्पाइसेस में कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया, 1 टीस्पून गर्म मसाला लिया और 1/4 टीस्पून राई दाना है, 1/4 टीस्पून ही मेथी दाना है, 1 टीस्पून अनारदाना है, 1/4 टीस्पून कलवंजी है और 1/4 टीस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज थे उसे रफली चॉप कर है और हरी मिर्च और हरा धनिया। ये गार्निश में भी इस्तेमाल होगा और बीच में भी हम यूज़ करेंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो अपनी पैन मैंने रख दी है, तो इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे हम। तकरीबन मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, थोड़ा सा गर्म हो लें जी। तो ऑयल हो गया थोड़ा गर्म, इसमें हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई। अब यहाँ पे हम कीमा ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह और कीमे इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे। अब यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे, भूनेंगे इससे अच्छे से। मसाले के साथ कीमा भून चुका है, इसमें हम मेथी दाना, सौंफ, ज़ीरा, राई दाना, कलवंजी और अनारदाना ये डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब यहाँ पे हम धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसके साथ में थोड़ा सा भून के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा पानी हम डालेंगे जिसमें कीमा अच्छे से गल जाए। फिर 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे 10 मिनट हो गए, कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर भी आया और कीमा हमारा हो गया बन गया। अब हम यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। अब हम प्याज के साथ मैंने इसको भूनने के बाद अब टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को आपने इतना नहीं फ्राई करने, ये बीच में ऐसे थोड़े खड़े खड़े ही रहेंगे, कीमे की खूबसूरती ही इसी में। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मिनट इसके साथ इसको टमाटरों के साथ भुनाई की है। टमाटर सॉफ्ट हुए, गले नहीं हैं और हमने गलाने भी नहीं हैं, ऐसे ही खड़े खड़े रहे। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा जूसी कीमा पसंद है, तो मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास पानी डाला है। अगर आपको नहीं जूसी पसंद तो आप मत डालिएगा, बस ये थोड़ा सा पानी को जोश आ ले। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हैदराबादी कीमा तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।